रेना, ये हफ्ता आईपीओस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. 6 कंपनियां दरअसल अपने पब्लिक इश्यूज लेकर आएंगी, उसमें से एक है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज जिसका आईपीओ कल खुलने वाला है यानी कि 27 तारीख को. कंपनी पीवीसी स्टेबलाइजर्स बनाती है, सीपीवीसी एडिटिव्स लुब्रिकेंट्स बनाती है. प्राइस बैंड 162 से 171 रुपए प्रति शेयर है. इश्यू साइज जो है वो करीब करीब 235 करोड़ का है. और डिटेल समझते हैं, हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण दुष्यंत राणा है. कृष्ण, स्वागत है आपका एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द आईपीओ. पीवीसी एडिटिव्स, ये प्राइमरीली पीवीसी पाइप से के बिजनेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन समझाएंगे ये प्रोडक्ट क्या है? श्योर, शुक्रिया हर्षदा जी फॉर यू नो मेकिंग मी कम हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. पीवीसी इंडस्ट्री इट्स अ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पीवीसी. एंड पीवीसी एप्लीकेशंस जो है, पीवीसी पॉलीमर ये यूज़ होता है पीवीसी पाइप बनाने के लिए, केबल वायर्स, प्रोफाइल. सो पीवीसी से रिलेटेड एनी एप्लीकेशन है वो उसमें यू नो यूज़ होता है. वी एज अ कंपनी, हम एक स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में है. एंड पीवीसी एडिटिव जो हम बनाते हैं वो पीवीसी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रॉ मटेरियल है. ओके, नाउ पीवीसी करता क्या है, पीवीसी एडिटिव करता क्या है? सो बेसिकली पीवीसी पॉलीमर जो है, इट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, मतलब इसका डिग्रेडेशन होता है 60 डिग्री टेम्परेचर पे. एंड ये 60 डिग्री टेम्परेचर पे डिग्रेड नहीं होने के लिए और 200 डिग्रीज तक सस्टेन होने के लिए ये पीवीसी एडिटिव यूज होता है. सो हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो एडिटिव है, इट इज़ अ हार्ट ऑफ द पीवीसी इंडस्ट्री. ओके, राइट. सो इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर्स, केबल वायर्स, प्रोफाइल मैन्युफैक्चरर्स. सो एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इन टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो इट्स बेसिकली द कोर रॉ मटेरियल जो भी कंपनी पीवीसी पाइप या केबल बनाती है वो इस्तेमाल करेगी. यस, सो वी कॉल इट एज अ हार्ट ऑफ दिस पीवीसी इंडस्ट्री. तो ये बताइए यहाँ पर फिर किस तरह की ग्रोथ है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 2030 तक द पीवीसी पाइप इंडस्ट्री, आई एम ओनली लिमिटिंग इट टू पाइप, केबल्स इज अनदर गैम्बिट ऑल टुगेदर, इज लाइकली टू रीच नियरली $87.2 billion एंड दिस इज द इंडियन मार्केट. तो फिर इस एडिटिव का मार्केट कितना बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हाउ बिग अ कंपोनेंट इट विल इट बी? सो पीवीसी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, अभी पीवीसी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो इट इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 8-10% ईयर ऑन ईयर. ठीक है, अभी लास्ट 2022 के एस्टिमेटेड फिगर्स थे कि 3.2 मिलियन टन्स पीवीसी कंज्यूम हुआ है इंडिया में. सो आप कंसिडर करो कि 3% to 4% हमारा एडिटिव इसके अंदर जाता है. सो मे बी वी कैन से 100 to 150,000 tons, मोर देन लिटिल बिट मोर देन हाफ अ बिलियन डॉलर इज द मार्केट इन द कंट्री. सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड अ नीश मार्केट. सो ये हम हाफ अ बिलियन डॉलर को केटर करेंगे. एज फार एज द स्पेशलिटी इज कंसर्न्ड, इज वी आर मेकिंग पीवीसी एडिटिव्स विच आर लेड फ्री, मोर सस्टेनेबल फॉर द इंडस्ट्री. हर्षदा जी, 100 साल से इंडिया में एक कन्वेंशनल मेथड से पीवीसी प्रोसेस हो रहा था यूजिंग अ लेड बेस्ड टेक्नोलॉजी. सो ये लेड बेस्ड केमिकल्स जो है वो एक्सटेंसिवली अवेलेबल थे इन द कंट्री. व्हाट वी डिड इज वी शिफ्टेड द ट्रांजिशन, वी शिफ्टेड द एंटायर इंडस्ट्री एंड वी आर इनफैक्ट रादर हेल्पिंग द एंटायर इंडस्ट्री शिफ्ट टू मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स. और ये लेड फ्री कैटेगरी में रोल प्ले कर रहा है. सो 2018 में गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया था दैट इंडिया हैज टू बैन द यूसेज ऑफ लेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी पाइप्स. नाउ पीवीसी पाइप्स इन द कंट्री इज कंसिस्टिंग, लाइक अभी पॉलीमर का कंजम्पशन 3.2 मिलियन टन था, 75% of the polymer PVC is consumed in the pipe sector. जी हाँ. और ये 75% का ग्रोथ हो रहा है ऑलमोस्ट 8-10% CAGR से. सो व्हेन वी कंसीडर दैट इफ द इंडस्ट्री इज मूविंग फॉरवर्ड, वी आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड. एंड हम ये 75% को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेड, विच इज अ यू नो टॉक्सिक रॉ केमिकल, टू लेड फ्री. सो हियर द ट्रांजिशन is very fast. The technology that we are giving is extremely important. Isko break karne ke liye chemistry bahut important hai. So we are a heavily researched R&D company. Okay, to ye jo aap issue lekar aa rahe hain, you are raising nearly 235 crores.
प्राइमरी फोकस क्या है? क्या आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोगों को एग्जिट दे रहे हैं, क्या है? और इज इट प्राइमरीली अ फ्रेश इशू? सो इट्स अ कंप्लीट प्राइमरी रेज एंड वी आर, ये हम जितने भी पैसे रेज कर रहे हैं ये हमारे इंडिया के प्लांट के एक्सपेंशन में यूज होंगे एंड वी आर एडिंग अप टू द कैपेसिटीज बिकॉज जो इंडिया का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम लेट टू लेट फ्री, वी आर एडिंग द कैपेसिटीज फॉर द कस्टमर्स इन इंडिया एंड वी आर इन्वेस्टिंग द मनी इन इजिप्ट. So we are starting a new plant in Egypt for manufacturing these additives. Okay. तो इस समय आप इंडिया में जो कैपेसिटी मेरे ख्याल में पालघर में आपकी एक यूनिट है. Correct. उसकी मौजूदा कैपेसिटी कितनी है, कितनी बढ़ जाएगी इस इशू के बाद? So 35,000 tons is the current capacity of the plant and this will increase to almost 95,000 to 100,000 tons per annum. By the end of this? By the end of 2000, this year maybe we'll start the commercial production of the new plant by 2025 January. ठीक है, okay. और ये इजिप्ट की कैपेसिटी कितनी रहेगी? सो इजिप्ट विल बी अराउंड 30,000 टन्स पर एनम. और इजिप्ट ही क्यों? आई एम श्योर तो एनवायरनमेंट आपको कुछ ऐसा मिला होगा कि वहां पर आपने सोचा एक फैसिलिटी सेटअप करें. दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन व्हिच आई लव आंसरिंग दैट यू नो एज एन एंटरप्रेन्योर Going three years back, you know, we wanted to supply. हमें एक customer को supply करना था, you know, in a country like Uzbekistan. So, तीन साल पहले जब हम customer के साथ deal कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें पता चला कि एक 20 feet container was costing around $6,500. So we thought that, you know, if you want to compete, the customer was not buying our price. They said that, you know, you're too expensive and, you know, hum aapse khareed nahi sakte hai. I said, why? The reason is the competition from Turkey and Europe was very high. Okay. So we thought if you want to compete and we want to have a global reach and be a global name, we need to do something outside India. And that's how we started researching on the countries. And wahan pe hume pata chala ke Egypt hi ek aisa desh hai jahan pe koi manufacturer nahi hai, heavily dependent on imports. So 95% पूरा इजिप्ट डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल. सो अगर हम वहां पे जाते हैं तो वी विल बी द फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर हैविंग अ नीश मार्केट शेयर एंड फास्टर पेनिट्रेशन. बट फ्रॉम इजिप्ट वी आर थिंकिंग ऑफ यू नो एक्सपोर्टिंग. सो इजिप्ट से हम अगर केटर करना चाहते हैं उज़्बेकिस्तान के कस्टमर को तो इट वॉज कॉस्टिंग अस अराउंड $400 to $500. तो ये जो फ्रेट कॉस्ट का जो डिफरेंस है that was huge and that's what led us to go to Egypt and have a presence there and that will perhaps be a window to Europe as well. Agar wahan there is a window to Europe, Turkey, MENA region, COMESA, you know, you and of course Middle Eastern countries. So it's an easy access from there. Okay. मैं आपसे एक चीज फटाफट से पूछना चाहूंगी. ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू गिव अस प्रोजेक्शंस ऑन योर अर्निंग्स, लेकिन अब तक आपके रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी की क्या सिचुएशन है? हर्षदा जी, अगर हम पैट की बात करें, हमारे जो पैट रिटर्न्स है last year we had shown somewhere around 16%. This year we will be you know showing somewhere around 15 to 16% again. But going forward, you know, adding the capacities and you know for Egypt and India, we will be maintaining the PAT somewhere between you know 11 to 14%. Okay. And raw material cost, you have all raw materials available yahan pe ki aapko bahar se mangane padte? Hame bahar se kuch mangane padte. So I think around 20% is our import of raw materials because palm oleo based chemicals is one of our raw materials which we import from Indonesia. Sometimes Indonesia, Malaysia is you know competitive, sometimes India is competitive, right? So we import from Indonesia, Malaysia some of our raw materials, some from China, some from Europe, right? So 20% is the dependence on the imports of our raw materials. Thank you very much for your time and good luck for your IPO. Thank you so much, ma'am. So details aapne sun liye hai, ab aap decide kijiye is company mein paise lagane hai ya nahi. Wo details aapki screen par aa jayenge. Kal yaad rakhiyega, ye issue khul raha hai aur price band aapke samne hai. Lenge ek break, break ke baad lautenge khiladi number 1 par.